मणिपुरी स्टाइल का सिंगजू, क्या है ये मणिपुरी स्टाइल का सिंगजू और ये बनते कैसे हैं? कोई कोई मणिपुरी सिंगजू का रेसिपी बोल के उसमें भर भर के तेल डाल देते हैं, नींबू का रस निचोड़ देते हैं और जो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें लगता है उसको डालना तो क्या, उसका जिक्र तक नहीं होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है आज मैं आप सभी को रियल में ऑथेंटिक मणिपुरी सिंगजू का जो रेसिपी है वो बनते कैसे हैं दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आप सभी का वॉच कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिंगजू कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोभी का सिंगजू, योंगचाक सिंगजू, ठंगजिंग सिंगजू यानी कि मखाने का सिंगजू, कई सारे वेजिटेबल से बना सकते हैं। और दोस्तों, मणिपुरी स्टाइल का सिंगजू हमेशा ऑयल फ्री रहता है और नींबू तो बिल्कुल भी नहीं डाले जाते। हमेशा से हर सिंगजू का एक अपना खासियत रहता है और स्पेशली मणिपुरी स्टाइल के हर सिंगजू में एक चीज़ हमेशा कॉमन रहता है, वो है नारी। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये फर्मेंटेड फिश है, इसको हम मणिपुरी में नारी बोलते हैं। ये डालने से सिंगजू में जान आ जाता है। यही नारी हर सिंगजू का मेन इंग्रेडिएंट रहता है और इसके बिना तो सारे सिंगजू अधूरे हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो बिना नारी का भी आप सिंगजू बना सकते हैं, लेकिन वही सिंगजू में आपको जो असली सिंगजू का टेस्ट है वो मिलेगा नहीं। चलिए, आज का ये सिंगजू पे हम क्या क्या डालने वाले हैं एक बार पूरा जान लेते हैं। ये देखिए, पहले से ही मैंने ये पत्ता गोभी को बहुत ही पतला पतला सा कट करके रख दिए हैं। साथ में ये कटा हुआ प्याज, एक स्मॉल साइज का प्याज लिए हैं और ये थोड़ा सा कटा हुआ मेथी का पत्ता, ये थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता है और इसके साथ में हमने ये स्प्रिंग ऑनियन भी लिए हैं एक बॉल, इसको भी अच्छे से काट लिए हैं और ये भुना हुआ बेसन है, करीब 60 ग्राम का होगा, और ये सूखा मटर, इसको हमने पानी में अच्छे से भिगो के फिर उसको हमने दोबारा भून के फिर से क्रश करके ले लिए हैं, और ये 4 से 5 ड्राई रेड चिली को रोस्ट करके उसका फिर से दरदरा पाउडर बनाया है, और ये है रोस्टेड नारी यानी कि फर्मेंटेड फिश। चलिए, अब हम इन सबको एक एक करके मिक्स कर लेंगे और सिंगजू बना लेते हैं। सबसे पहले ये थाली के साइड में ही ये रोस्टेड रेड चिली पाउडर को डाल देते हैं और इसके साथ में ये रोस्टेड नारी भी हम डाल देंगे। साथ में स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं और तीनों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ऑनेस्टली बोलो तो ये गारी का स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से किसी किसी को पसंद नहीं रहता है खाना, लेकिन हमें तो ये बहुत टेस्टी लगता है और मणिपुरी स्टाइल का सिंगजू बोले तो इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। चलिए, ये भी मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसमें ये जो कटा हुआ प्याज है ना, इसको डाल के इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिल चुके हैं, अब हम इसको ये पत्ता गोभी के साथ मिला लेते हैं। इसके साथ में हम ये कटा हुआ मेथी का पत्ता भी डाल देते हैं, स्प्रिंग ऑनियन भी डाल देंगे, ये धनिया पत्ता, भुना हुआ मटर, इससे हमारे सिंगजू में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा, और ये भुना हुआ बेसन। सारे वेजिटेबल के अंदर से जो मॉइस्चर निकल के आएंगे वो ये बेसन उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। अब हम इन सबको हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से निचोड़ना नहीं है, बस ऐसे ही हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा खुशबू निकल के आ रहे हैं अभी। आज के ये सिंगजू पे जितना भी मैंने वेजिटेबल यूज़ किए हैं, इसके अलावा बहुत सारा ऐसा इन्ग्रीडियंट्स है जो इसमें डाले जाते हैं, फ़िलहाल वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने जितना भी मेरे पास अवेलेबल है उसी से ही बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमारी मज़ेदार पत्ता गोभी का सिंगजू, वो भी मणिपुरी स्टाइल में, अभी बन के तैयार है। इसको हम एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये सिंगजू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिए। आप इसे शाम के वक्त चाय या जूस के साथ डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं या फिर प्लेन राइस के साथ एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको गारी या फर्मेंटेड फिश की ज़रूरत हो तो आप उसे बड़े आसानी से अमेज़ॉन से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।